वर्तमान परिदृश्य में वैश्विक राजनीति में तेज बदलाव देखा जा रहा है। पर्यावरण की चुनौती, सीमा विवाद से उपजे युद्ध और आर्थिक मंदी की आशंका के साथ राजनीतिक अस्थिरता ने चिंता और भी बढ़ा दी है। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और अपनी भू राजनीतिक अवस्थिति की वजह से दुनिया को नई दशा और दिशा दे सकता है। इसी कड़ी में भारत की नई पहल है ग्लोबल साउथ। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। आज हम भारत के द्वारा की गई नई पहल ग्लोबल साउथ को समझेंगे। हम भारत की योजना, ग्लोबल साउथ देशों के साझा हित और इसकी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। संस्कृति IAS परिवार एक नया फाउंडेशन बैच लेकर के आ रही है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट की पूरी पढ़ाई कराई जाएगी। बैच जो प्रारंभ हो रहा है वह इसी महीने के यानी कि जनवरी के 23 तारीख से हो रहा है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। और इसका जो वक्त रखा गया है वो दोपहर के 3 बजे रखा गया है। इस बैच की कुछ खासियत है, विशेषताएं हैं, उसे समझ लीजिए। यह ऑफलाइन बैच तो होगा ही, इसके अलावा आप इसे लाइव मोड में भी ले सकते हैं, यानी कि ये लाइव बैच भी होगा और साथ ही हाइब्रिड बैच होगा, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही स्थिति में आप इसे ले सकते हैं। इसमें नामांकन प्रारंभ हो चुका है, यानी कि इस बैच में अगर आप नामांकन लेना चाहते हैं तो जल्दी करते हुए अपना सीट सुनिश्चित कर लीजिए। इस संबंध में अगर आपको और विशेष जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही संस्कृति IAS के वेबसाइट पर आप विजिट करके और भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी ये टीम आपके लिए बहुत एफर्ट लगा करके वीडियो बनाती है। बदले में आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा प्रोत्साहन कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि ग्लोबल साउथ क्या है, भारत की इसमें क्या पहल है, चीन की रणनीति इसको लेकर के क्या है, इन सब चीज़ों को हम बारी बारी से देखते हैं। अगर अखबार की कटिंग पर आप नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि जयशंकर साहब, जो भारत के विदेश मंत्री भी हैं, काफ़ी मुखर रहते हैं विश्व राजनीति को लेकर के, अपनी हाजिर जवाबी को लेकर के जाने जाते हैं। उन्होंने हाल ही में जब US का दौरा किया था तो इस टर्म का यूज किया था, ग्लोबल साउथ का यूज किया था इस वर्ड का, और उस समय से यह वर्ड फिर से एक बार चर्चा में आ गया है। वैसे तो ये पुराना शब्द है। देखिए, इंडिया विल ऑलवेज स्टैंड विद द ग्लोबल साउथ, जयशंकर ऑन UNDA, ये एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं। और इसमें यह सुधार की बात कर रहे हैं, UN में जो सिक्योरिटी काउंसिल है इन सब में रिफॉर्म की भी बात कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, वर्ल्ड इज इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस, सेज PM मोदी। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समारोह की शुरुआत करते हुए यह बात कही है और उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उसे समझ लीजिए। योर वॉइस इज इंडियाज वॉइस, यानी कि जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनकी आवाज़ भारत की आवाज़ है। योर प्रायोरिटी आर इंडियाज प्रायोरिटी, सेज प्राइम मिनिस्टर मोदी आफ्टर वर्चुअल इनॉग्रेटिंग द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। यानी कि ध्यान रखना है, ये वर्चुअल था, ठीक है, वर्चुअल मोड में, ऑनलाइन मोड में सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठे थे, करीब तकरीबन 120 देश के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए। अब आप समझ लीजिए, अरिंदम बागची, ये जो हमारे विदेश मंत्रालय के ये प्रवक्ता हैं, इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दिया था 2 दिन पहले कि यह समिट, ग्लोबल साउथ समिट शुरुआत होने वाली है, और फिर प्रधानमंत्री मोदी भी ट्वीट करके अपने जो संबोधन थे उनको उन्होंने लगाया है। इन सब चीज़ों को देखने समझने से आप इतना तो समझ गए होंगे कि भारत इस चीज़ को लेकर के कितना ज़्यादा एक्टिव है, मुखर है, क्योंकि भारत की पूरी कोशिश है कि ग्लोबल साउथ के जो कंट्री हैं उनको एक मंच पे लाया जाए, एक साथ लाया जाए। तो समझते हैं बारी बारी से कि इसके कुछ प्रमुख बिंदु समझते हैं, हम ग्लोबल साउथ भी समझेंगे, चुनौतियों पर भी बात करेंगे। देखिए, इसका जो थीम रखा गया है वह वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, यानी कि इसको समझ लीजिए कि जो ग्लोबल साउथ की जो कंट्री है उसकी आवाज़, उसकी जो हित हैं, उसके जो मुद्दे हैं उसकी बात की जाएगी, और मानव केंद्रित विकास रखा गया है, यानी कि जो विकास का केंद्र क्या हो, मानव हो, मनुष्य की सुख शांति समृद्धि की बात की गई है। 120 देशों के प्रतिनिधित्व शामिल हो सकते हैं, इसमें हुए हैं, और ये 2 दिन तक चलेगा, यानी कि 12 और 13 तारीख आज तक, और ये वर्चुअल मोड में है। 10 सत्र इसमें रखे गए हैं, जिसमें 2 सत्र जो है आप 2 सत्र और इसमें से 8 सत्र, 2 सत्र जो है वह राष्ट्राध्यक्षों के बीच होगा, ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ये 2 सत्रों में बात करेंगे, और 8 जो अलग सत्र हैं इसमें मिनिस्टर्स के बीच होगा। मान लीजिए सभी देशों के रक्षा मंत्री का एक हो गया, सुरक्षा की बात वो करेंगे, शिक्षा मंत्री जैसे हो गए सभी देशों के, व्यापार
कॉमर्स की बात करेंगे, तो ऐसे करके 8 अलग सेशन उनका रखा गया है। ठीक है, इस साल जो है भारत आप जानते हैं G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है 2023 में, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ से ये संभव है कि भारत विश्व राजनीति में, यूं तो अभी भी भारत की बड़ी दखल है विश्व राजनीति में, कोई भारत को आज नज़रअंदाज नहीं कर सकता है, लेकिन G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद ये संभव है कि भारत विश्व राजनीति में, ये जो हम कहते हैं ना विश्व गुरु बन के उभरने की जो संभावना है वह और प्रबल हो गई है। जरा आप G20 की चर्चा किए, जरा आप देख लीजिए कि G20 है क्या। देखिए, एक संगठन है G7। G7 में जो है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA है। इसी में एक कंट्री और जोड़ दीजिए, रसिया। अगर रसिया जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, G8 हो जाता है। और इसी में 12 कंट्री और जोड़ दीजिए, ठीक है, 8+12 तो ये होगा G20। तो G20 में G7 के सभी देश तो हैं ही, रसिया भी है, और भी कई विकसित और विकासशील देश इसमें शामिल कर लिए गए थे, जिसमें से एक हमारा प्यारा भारत भी है। और G20 पूरा हो गया, यानी कि विश्व की जो 20 बड़ी अर्थव्यवस्था है, 20 बड़े देश हैं, उनका एक समूह है G20, और भारत इस बार इसकी अध्यक्षता करने वाला है। इस मंच को भारत इस बार लीड करेगा, ठीक है। तो G20 को आप देख रहे हैं, भारत इस बार लोगो वगैरह जारी कर दिया गया है, और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर करके वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी वेदों की परंपरा है, भारत उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। ये एक पृष्ठभूमि समझ लीजिए कि भारत क्या करना चाह रहा है। अब हम इस तरफ बढ़ते हैं कि ये जो ग्लोबल साउथ की बात की गई है, ग्लोबल साउथ है क्या, उससे पहले जरा सा एक आप समझ लीजिए कि इससे पहले क्या चलता था विश्व राजनीति में, कि फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड की अवधारणा चलता था। और ये कैसे जाना गया कि देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद USA और USSR जो अभी रशिया है, इनके बीच क्या हुआ, कोल्ड वार चल रहा था, ठीक है। दोनों के बीच विचारधारा को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के खींचतान की स्थिति बनी हुई थी। तो उस वक्त क्या हुआ कि वो सारे राष्ट्र जो USA के पीछे चल दिए, यानी कि USA की जो पूंजीवादी विचारधारा थी, इसकी जो सोच है, इसका जो काम है, इसके साथ रह गए, तो वो सभी देश क्या हो गए, फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाने लगा उन्हें, ठीक है, प्रथम जो है विश्व कहा जाने लगा। अब USA के साथ आप देख सकते हैं कनाडा वगैरह है, यूरोप के जो पश्चिमी भाग है, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब इसके साथ है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये सब भी, ये क्या होगा, USA के साथ आ गया, ये प्रथम विश्व हो गया। द्वितीय विश्व क्या हुआ, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड आप देखेंगे तो वो सारे कंट्री जो उस वक्त के USSR के साथ थे, वो सारे देश जो हैं सेकेंड वर्ल्ड कहे जाने लगे। अब USSR यानी कि अभी का जो रसिया था, तो आप उसमें देख लीजिए, ये जो पूर्वी यूरोप पूरा है वह भी था, चाइना के अलावा देखिए मंगोलिया जो है, सेंट्रल एशिया के जो देश थे, ये सब उस वक्त USSR का पार्ट ही था। बाद में ये कई टुकड़ों में टूट गया 90 के दशक में। तो उस समय इसकी जो विचारधारा थी वो क्या थी, साम्यवाद की विचारधारा, ठीक है, और ये क्या था, पूंजीवाद। तो इन दोनों के बीच जो है विचारों का झगड़ा चलते रहता था, तो इस तरह से दो वर्ल्ड हो गया। अब कुछ राष्ट्र ऐसे थे जो नए नए आज़ाद हुए थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, 1947 में जैसे भारत हुआ, 48, ये सब उस वक्त 1950 के आसपास तेजी से एशिया के बहुत सारे देश और अफ्रीका के बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे, साम्राज्यवाद की शक्ति जो है उससे मुक्ति पाया था उन्होंने। तो ये सभी देशों के पास एक ये था कि यह किसके साथ जाएं। उस वक्त पंडित नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, उन्होंने गुट निरपेक्ष की एक अवधारणा दी, ठीक है। तो ये सभी देश जो हुए गुट निरपेक्ष हुए, कहने का मतलब इन्होंने कहा, अब इसमें कितने कंट्री है समझ लीजिए, एक तो इंडिया इसका एक तरह से लीडर समझ लीजिए है, फिर आसियान कंट्री को आप देख रहे हैं यहाँ जो उसके देश हैं, उसके बाद अफ्रीका के बहुत सारे देश, गल्फ कंट्री के हैं, जो हमारा एशिया का पूरा पोर्शन एक तरह से, और जो लैटिन अमेरिका है उसका, साथ ही मैक्सिको और कैरेबियन कंट्री भी। इन सभी देशों को नई नई आज़ादी मिली थी, तो इन्होंने तय किया कि हम ना ही USA के साथ जाएंगे, ना ही USSR के साथ जाएंगे। उनके पीछे पड़ने के बजाय हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम अलग होंगे। तो इन्हें कह दिया गया थर्ड वर्ल्ड कह दिया गया। हालांकि इसका और भी एक अलग स्वरूप है, किसमें आर्थिक सामाजिक स्थिति भी शामिल हो जाती है। तो ये पहले विश्व राजनीति में ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन समय के साथ यह चीज़ बदलता चला गया। आज देख रहे हैं कि ठीक है, अमेरिका और रशिया के बीच आज भी विवाद है बहुत सारे मुद्दों को लेकर के, यूक्रेन का तो ताज़ा हाल आप समझ ही रहे हैं, लेकिन अब वो कोल्ड वार जैसी बहुत स्थिति नहीं रह गई है। तो इस तरह के टर्मिनोलॉजी जो हैं अब बहुत इस्तेमाल नहीं होते हैं वैश्विक राजनीति के लिए।
समय के साथ शब्द भी बदल रहा है और शब्द बदलते आ गया है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। अब इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये दुनिया जो सबसे पहले समझ लीजिए दो क्षेत्रों में बटा हुआ है, यानी कि एक जो हिस्सा है उत्तर का और एक हिस्सा है दक्षिण का। तो एक तो भौगोलिक स्थिति से समझ लीजिए इसे, दूसरा अगर आप समझें तो उत्तरी हिस्सा जो है इस वर्ल्ड का, यानी कि यह जो हिस्सा समझ सकते हैं, ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक इन सभी क्षेत्रों में यह अधिक विकसित है। यानी कि आप देखेंगे इसमें यूएसए है, कनाडा इधर हो गया, ये यूरोप के कंट्रीज हो गए, ये रशिया हो गया, तो ये सभी क्या है, विकसित हैं। आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया वगैरह को भी ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी विकसित राष्ट्र हैं। तो ये सभी नॉर्थ में आ गए, ग्लोबल नॉर्थ। और ग्लोबल साउथ का एक तो भौगोलिक रूप से जो साउथ में है, दूसरा ये सभी वो राष्ट्र हैं जो 1950 के आसपास आज़ाद हो रहे थे। यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, ये तो अल्प विकसित हैं या विकासशील हैं। यहाँ की सामाजिक राजनीतिक शैक्षणिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। यहाँ भी आप समझ सकते हैं यही चीज़ ये दिखाया गया है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि ये सारे कंट्री जो हैं ग्लोबल साउथ हैं, भारत भी इसी का हिस्सा एक है। तो भारत चाह रहा है कि पहले भारत जैसे गुट निरपेक्ष को नेतृत्व कर रहा था, भारत आप ग्लोबल साउथ की संकल्पना दे रहा है कि इसके जितने भी देश हैं हम साथ आएं, साधा मंच विकसित करें, अपनी बातों को बहुत ही मुखरता के साथ विश्व पटल पर रखें। और हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इन देशों को जो नॉर्थ के देश हैं उनका पीछा करें, उनके द्वारा तय किए गए जो मापदंड हैं उसको फॉलो करें। ठीक है, यहाँ एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि चीन भी इसी में है। अब चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत जो है विश्व पटल पर एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में नजर आए, तो उसका यहाँ पे भारत के साथ और पड़ोसी भी है तो टकराहट चलता रहता है, सीमा विवाद भी उससे हमारा है। अब आगे बढ़ते हैं, ये जितनी बातें मैंने कही है ये सभी बातें लिखे हैं, जो कि आप में से बहुत लोग नोट भी करते हैं, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं यहाँ पर। अब ग्लोबल साउथ का उद्देश्य पे जरा देखते हैं। देखिए, इन देशों को वैश्विक मुद्दों पर अपना मत रखने का एक प्लेटफॉर्म देगी ये। अब जो भी राजनीतिक मुद्दा है या फिर अर्थव्यवस्था की मुद्दा है, तो ज़रूरी नहीं कि जो यूएसए ने कह दिया, जो रसिया ने कहा, या जो फ्रांस ने कहा, जो ब्रिटेन ने कहा, हम उसे मान लें। हम अपने हित को देखते हुए अपनी बात रखें। अगर आप एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने यूरोप में ये बात कहा भी था, उन्होंने ब्रिटेन में एक सभा में यह कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि यदि आप समझते हैं कि आपके मापदंड पे भारत या बाकी देश जो है खरा नहीं उतर रहे हैं तो वो विकसित नहीं है या फिर वो पिछड़े हुए हैं या फिर उनकी स्थिति खराब है। हम अपना मापदंड खुद से तय करेंगे, हम आपके द्वारा सेट किए गए एक फ्रेम में क्यों आएँ। तो यह परिकल्पना जो है विश्व राजनीति में उभर करके सामने आ रहा है। उसके बाद देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनका ये वक्तव्य रहता है और इसको टैगलाइन बना करके आगे बढ़ाया जा रहा है कि हम सभी एक साथ आएं, सबका साथ होगा तो सभी का विकास होगा, सभी में विश्वास बढ़ेगा तो विश्व राजनीति में जो है ये जो मतभेद होते रहते हैं, युद्ध होते रहते हैं, वह खत्म होगा और इसके लिए सबका प्रयास बहुत आवश्यक है। उसके बाद इससे क्या होगा, आर्थिक विकास को, आज जो हम कह रहे हैं कि आर्थिक मंदी आने की संभावना है, विश्व क्या हो गया है, एक गांव के रूप में आजकल हो गया है। तो कहीं एक जगह समस्या है, आर्थिक मंदी है या अर्थव्यवस्था में उथल पुथल है, तो उसका असर अब विश्व के दूसरे देशों पर भी देखने को मिलता है, वैश्वीकरण ने ऐसा कर दिया है। तो इसीलिए आर्थिक विकास होगा, पर्यावरण आज समझ ही रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और पर्यावरण हमारे लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। उसके बाद स्वास्थ्य, कोविड-19 के दौर में हमने देखा भारत ने बहुत अच्छा काम भी किया, इसमें तकरीबन 100 देशों को भारत ने वैक्सीन उपलब्ध करवाई, मेडिसिन की अलग अलग फैसिलिटी भारत दे रहा है स्वास्थ्य को लेकर के। शिक्षा और कारोबार में, शिक्षा में आप देख ही रहे, भारत अपने तरफ से भी प्रयास कर रहा है कि विदेशी यूनिवर्सिटी को भी अपने यहाँ लाए और भारत के बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग 4.5 लाख छात्र जो हैं देशों के अन्य विश्वविद्यालय में पढ़ते भी हैं। तो शिक्षा में भी एक, और कारोबार को बढ़ाने के लिए आजकल हमारे यहाँ स्टार्टअप्स काफ़ी हो रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनी बन रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब चीज़ों में अगर हम सहयोग बढ़ाते हैं तो यह जो हमारा ग्लोबल साउथ का उद्देश्य है वह पूरा हो पाएगा। कि यह जो समिट होने वाला है उसके बारे में जानकारी दी गई है कि 12-13 जनवरी 2023 को ये होगा और उसमें वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ आप देख रहे हैं हैशटैग दिया गया है। 10 सेशन के बारे में बताया गया है, 10 सेशन में बताया गया है कि 2 सेशन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्राध्यक्ष के लेवल पे होगा, बाकी 8 सेशन देखिए आप मिनिस्टर्स के लेवल पे हैं।
ठीक है, तो अलग अलग मिनिस्ट्री का है, फाइनेंस मिनिस्टर, एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये सभी देशों के जो भी सम्मेलन में शामिल होने वाले देश हैं उनके मिनिस्टर्स की ये सूची है। ये सभी मिनिस्टर उन देशों के बैठ करके इन मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अब ये समझिए कि भारत ही क्यों, ग्लोबल साउथ की आवाज़ जो है भारत ही क्यों उठा रहा है, या भारत को इससे क्या फायदा है, भारत का हित क्या जुड़ा हुआ है इससे, और बाकी जो दुनिया के देश फॉलो कर रहे हैं ये सब भारत के पीछे आखिर क्यों आए, अगर आए तो। तीन चीज़ों को समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए, एक विकासशील देशों के बीच क्षेत्रीय राजनीति पर अंकुश लगाने के लिए एक तो कोई लीडर चाहिए, और वो भारत ही हो सकता है। दोस्तों, भारत हमेशा ही संयुक्त राष्ट्र में भी और द्विपक्षीय मामलों में भी, अन्य जो संगठन है वहाँ भी शांति का अग्रदूत रहा है। भारत ने कभी भी किसी को किसी की जमीन हड़पने की कोशिश नहीं है की है, या वैश्विक राजनीति में किसी के संप्रभुता पर खतरा बनने का प्रयास नहीं किया है। इसीलिए आप अफ्रीका के देशों को देखेंगे, आसियान कंट्री के देशों को देखेंगे, आप ईस्ट एशिया को देखेंगे, या सेंट्रल एशिया के देशों को देखेंगे, लैटिन अमेरिका के देशों को देखेंगे, ये सभी भारत के साथ खड़े होते हैं। संयुक्त राष्ट्र में कई मुद्दों पर जो वोटिंग हुआ है उसमें इन देशों ने भारत को इसलिए बढ़ चढ़ करके अपना मत दिया है। इसलिए भारत एक ग्लोबल लीडर के तौर पर आज उभर के सामने आया। साथ ही अगर आप देखेंगे हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की अवस्थिति पर अगर आप नजर देंगे तो आप इससे नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप ये समझ जाएंगे कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था तो है ही, बड़ा बाजार है, भारत के पास नेतृत्व करने की भी क्षमता है। यहां आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि चीन क्यों नहीं, भारत तो है ही लेकिन चीन फिर क्यों नहीं, चीन तो अपने आप को विश्व नेता के तौर पे दिखा भी रहा है। तो देखिए, चीन की जो विस्तारवादी नीति है ना, इससे सभी देश परेशान हैं कहीं ना कहीं। आप देखेंगे एशिया के देशों को वह अपने कर के चंगुल में ले रहा है, जाल में फंसा रहा है, लोन दे करके, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सबको आप समझ रहे हैं। तो वहाँ चीन को लेकर के एक शंका पैदा होता है विश्व स्तर पर, इस चीज़ को लेकर भी अभी हम और उस पर डिटेल से बात कर लेंगे। तो एक क्षेत्रीय राजनीति जो है इस पर एक अंकुश लगाने के लिए, क्षेत्रीय राजनीति की स्थिति को सही करने के लिए भी यह जरूरी है, भारत इसमें काम कर सकता है बेहतर। विकासशील देशों के विभिन्न क्षेत्रों और समूहों के अनुरूप सक्रिय भारतीय भूमिका की आवश्यकता है। अब विभिन्न क्षेत्रों और समूह का क्या मतलब हुआ, अगर आप देखिए भारत का जो है आसियान, इंडिया आसियान कंट्री का समिट भी होता है, तो आप देखिए ये इंडिया की स्थिति देखिए, और 13 कंट्री जो आसियान के हैं, ये सारे वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, ये सारे जो मलेशिया, म्यांमार, ये सब, तो भारत और आसियान एक गुट है। भारत आसियान कंट्री से अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, कारोबार बढ़ाने के लिए, साझा संस्कृति, सभ्यता शेयर करता है। तो भारत और आसियान का जो मधुर संबंध है वह ग्लोबल साउथ के लिए लाभकारी हो सकता है। साथ ही अगर आप देखेंगे सार्क कंट्री का देखेंगे, तो सार्क में दक्षिणी एशिया के जितने भी कंट्री आप देखेंगे, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे कंट्री, तो ये सभी भारत को अपना नेतृत्वकर्ता मानते हैं। यहाँ पाकिस्तान को लेकर के एक समस्या जरूर है, तो पाकिस्तान को जवाब देने के लिए फिर से भारत ने एक नया गुट पर ज़्यादा जोर दिया है, वो क्या है, बिम्स्टेक, यानी कि बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से लगने वाले जितने देश हैं, चाहे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, तो बे ऑफ बंगाल से लगने वाले जो देश हैं वो आपस में तकनीकी और आर्थिक स्थिति को साझा करते हैं। ये सार्क का जवाब था, चूंकि पाकिस्तान ने सार्क को बहुत सफल नहीं होने दिया। अब इसमें भी आप देखेंगे भारत जो है एक बड़ी भूमिका में उभर के सामने आता है, तो यहाँ से इन देशों का सहयोग भी मिलेगा, आसियान का सहयोग मिल रहा है, सार्क में भारत की बड़ी भूमिका है। इसके अलावा इंडिया अफ्रीका समिट पे आपकी नज़र होगी। अब देखिए यहाँ यह जो है इंडिया का मैप आप देख रहे हैं, इंडिया, और यह अफ्रीका का है, ठीक है, इधर से अफ्रीका है। तो इंडिया अफ्रीका समिट में देखेंगे जो अफ्रीका के देश हैं और भारत के साथ समिट हुआ है, लगातार हर साल होता है, और उसमें अफ्रीका को लेकर के भारत की जो है एक सकारात्मक रवैया रहती है। इसीलिए अफ्रीकी देश भारत पे बहुत अधिक यकीन भी करते हैं, और यही कारण है कि भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बन सकता है, चाइना नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो भारत का इन सभी देशों से जो ग्लोबल साउथ में स्थित देश हैं उनके साथ अच्छा संबंध तो रहा ही है,
इसके अलावा जो ग्लोबल नॉर्थ के देश हैं, भारत का उससे भी बहुत अच्छा संबंध आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे आप यूएसए से देखें, भारत का मधुरतापूर्ण संबंध है। आज जो है अमेरिका हमारा मित्र राष्ट्र में आता है। आप कनाडा से देखें, हमारा संबंध वहाँ से बहुत अच्छा है। आप रशिया से देखें, आप ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से देखें, तो ये सभी देश जो हैं या यूरोपियन कंट्री हैं, ये भारत के आज मित्र राष्ट्र हैं, भारत का अच्छा संबंध है। तो इन देशों की जो समस्या है, साथ में भारत की भी जो समस्या है, भारत अगर नेतृत्वकर्ता बनता है तो वैश्विक मंच पे भारत इन सभी की आवाज़, ग्लोबल साउथ देश की आवाज़ वैश्विक मंच पर उठा सकता है। चूँकि भारत का ग्लोबल नॉर्थ के देशों के साथ भी मित्रतापूर्ण संबंध है और ग्लोबल साउथ के देशों का साथ तो है ही, इसीलिए भारत ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के जो देश हैं इसके बीच एक ब्रिज का काम कर सकता है, एक पुल बन सकता है। और दुनिया के दोनों ही क्षेत्र के देश अगर साथ मिलकर के काम करें, कोई तकनीक साझा करे, कोई व्यापार साझा करे, तो पूरी दुनिया का विकास होगा, यह कहने का मतलब है। अब देखिए, विश्व पटल पर ग्लोबल साउथ का महत्व क्या है, जरा समझ लीजिए इस चीज़ को। देखिए, ये सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन बनने की इसमें क्षमता है। तकरीबन 120 देश इसमें आते हैं ग्लोबल साउथ में। अब 120 देश जहां आएगा, आप समझ लीजिए मार्केट उसका कितना ज़्यादा होगा। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी कि प्रकृति में मौजूद जो संसाधन है हम उसका उपयोग कर रहे हैं, हमारी पीढ़ी, लेकिन वह संसाधन आने वाली पीढ़ी के लिए भी मौजूद रहे, हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा, धारणीय विकास करना पड़ेगा हमें। खाद्य सुरक्षा की बात की जा रही है, बड़े स्तर पर आप देखते होंगे, बहुत सारे रिपोर्ट देखते होंगे विश्व स्तर पर जो भूखमरी की समस्या बनी हुई है। तो यदि ये सब देश साथ आते हैं, ग्लोबल साउथ के देश साथ मिलकर के काम करते हैं, तो भूखमरी से निपटा जा सकता है। ध्यान रखना है कि खाद्य सुरक्षा की समस्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ग्लोबल साउथ में ही। जो साउथ के देश हैं वैश्विक पटल पे, वही अल्प विकसित हैं, वही गरीबी है, वही पिछड़े हैं। तो इनके साथ आने से हमारी जो एक बड़ी समस्या है वैश्विक परिदृश्य पर खाद्य सुरक्षा की, वह पूर्ति हो जाएगी, इस समस्या से हम निजात पाएंगे। और खाद्य आपूर्ति इन सभी देशों में जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, एग्रीकल्चर पर सबसे अधिक जोर है, तो वहाँ पे खाद्य आपूर्ति की ज़रूरत है। यदि ये सभी एक मंच साझा करते हैं, आगे चल के एक नियम कानून बनाते हैं, तो खाद की जो आपूर्ति है कृषि क्षेत्र में बढ़ावा मिल सकता है इससे, यह भी एक आवश्यक चीज़ हो जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम, भारत के वेदों में लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया जो है हमारी कुटुंब है, हम सब एक ही, ऐसी अवधारणा। तो उसके तहत कहा गया है वन अर्थ, यानी कि एक ही दुनिया है, तो एक ही फैमिली भी है और एक ही फिर सबका भविष्य भी है। तो साझा मिलकर के काम करना पड़ेगा। G20 पर भी भारत यही बात कह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के समिट पर, यानी कि बीते कल, अपनी भाषण में उन्होंने 4R का कॉन्सेप्ट दिया था। इसको समझ लीजिए बहुत ध्यान से, 4R का कॉन्सेप्ट में उन्होंने पहले कहा रिस्पॉन्ड, यानी कि कहीं भी समस्या आती है तो हम सबों को साझा रूप से जगना होगा, रिस्पॉन्ड करना होगा, और फिर रिस्पेक्ट करना होगा सभी देशों को, सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना आना चाहिए। उसके बाद रिकॉग्नाइज, अगर किसी ने किसी क्षेत्र में बेहतर काम किया है तो हम उसे पहचाने भी, उसका सम्मान करें, उसे रिकॉग्नाइज करें, और फिर रिफॉर्म की हम सब एक साथ मिलकर के प्रयास करें कि सुधार हो। क्योंकि यूएन में जो ज़्यादा देश हैं उस संगठन में, वो हैं ग्लोबल नॉर्थ की कंट्री। कई संगठनों में जैसे सुरक्षा परिषद में देखेंगे, अब ग्लोबल नॉर्थ के कंट्री ज़्यादा हैं, तो भारत कह रहा है कि इसका सुधार कीजिए, सुरक्षा परिषद वगैरह का जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं उस पर एक तरफा बात अब नहीं चलेगी ग्लोबल नॉर्थ की कंट्री की, ग्लोबल साउथ की कंट्री को भी जगह दीजिए। तो ये सभी मिलकर के अगर आवाज़ उठाएंगे तो रिफॉर्म भी होगा, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना है। लेकिन ये सब बातें तो हो गई, बाधाएं क्या है ग्लोबल साउथ को होने में, बाधा क्या है? देखिए, बाधाओं के स्तर पर अगर आप देखेंगे तो आज सबसे बड़ी चुनौती पूरी दुनिया के लिए अगर है तो वह है क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण की समस्या है। और उसके लिए हरित ऊर्जा के लिए वित्त पोषण की जो बात की गई थी, तो बजट किसके पास अधिक है, पैसा किसके पास है? ग्लोबल साउथ के कंट्री के पास, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पहले कारखाना लगाया, उन्होंने वायुमंडल को पहले प्रदूषित किया, और वो अब कह रहे हैं कि देखो हम तो विकसित हो गए हैं, लेकिन तुम लोग अब कारखाना मत लगाओ, अब मैन्युफैक्चरिंग का काम मत करो। तो जो विकसित देश हैं उनके बातों को विकासशील देश नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसे कैसे काम चलेगा, प्रदूषण फैलाया आपने और फिर आप हमें रोक रहे हैं। तो उसके लिए जो एक कोष बनाया गया है कि ठीक है, पेरिस समझौता के तहत कि आप सभी जो विकसित देश हैं या विकासशील देश भी
जिनके हिस्से जितना फंड लगेगा आप उस कोष में दीजिए। लेकिन आप देखे होंगे जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे यूएसए के, वो तो क्लाइमेट चेंज को नकारते हुए पेरिस समझौता से यूएसए को बाहर कर लिया था, तो फंड की फिर कमी हो जाती है ऐसे चीज़ों पर। अगर इस तरह की समस्या बनी रह गई तो ऐसी संकल्पनाएँ धरी की धरी रह जाएगी, तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। चीन की विस्तारवादी नीति, मैं पहले ही बताया कि भारत का पड़ोसी देश है चीन, और चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत पूरी दुनिया पर पहुंच बनाना चाहता है, खास करके अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए। और उसके लिए वह क्या कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, इसके माध्यम से वो पूरी दुनिया तक, यूरोप तक और फिर समुद्री मार्ग से पाकिस्तान, सीपैक से पाकिस्तान तक, ऐसे देखेंगे आप मैप पे, तो ये सब जगह पर वो चाह रहा है कि हम अपनी पहुंच बना ले, और भारत को वो चारों तरफ से घेरना चाह रहा है। कॉन्सेप्ट है मोतियों की माला, तो उसके तहत वो भारत को चारों तरफ से घेरना चाह रहा है। वह नहीं चाहता कि भारत वैश्विक स्तर पर अपनी पहुँच बनाए। तो एक खतरा चीन को लेकर है, लेकिन इस ग्लोबल साउथ में चीन भी है, तो देखना होगा कि चीन का कितना सहयोग मिलता है, चीन क्या बाधा बनता है या फिर चीन सहयोग करता है। ठीक है, आगे समझ लीजिए, यूक्रेन और रशिया का युद्ध जो है अभी विश्व परिदृश्य में सबसे बड़ी खबर है। यह युद्ध पिछले काफ़ी समय से चला आ रहा है और इसने सबसे ज़्यादा जो प्रभावित किया है वो अल्पविकसित देशों को ही किया है, क्योंकि आप जानते हैं रूस जो है वह पेट्रोलियम का, गैस का एक बड़ा निर्यातक देश है, लेकिन अभी युद्ध होने की वजह से रूस सप्लाई नहीं कर पा रहा है इन चीज़ों की, इसके लिए एक समस्या बनी हुई है, कच्चे तेलों की दाम भी महंगी हो रही है, तो यह एक समस्या है। इस तरह के और भी क्षेत्रों में विवाद देखे जा रहे हैं, सीमा विवाद को लेकर के, और समस्या बनती जा रही है। जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक आपदाएं तो हो ही रहा है, आप देखेंगे अभी यूएसए में या कनाडा में बम साइक्लोन आपको देखने को मिला होगा, भारत की ही ताज़ा खबर ले लीजिए, क्लाइमेट चेंज होने से जोशीमठ जो हमारा तीर्थ स्थल है और पर्यटन स्थल है उत्तराखंड में, वहाँ दीवारों में दरारें आ रही है, धरती फट रही है, तो ये समस्या क्लाइमेट चेंज से हो रहा है। जो वैश्विक तापमान है वायुमंडल का वो बढ़ रहा है, तो इन सब समस्याओं से इस जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबल साउथ की कॉन्सेप्ट, उसको धक्का लगेगा, उसको चोट पहुंचेगा, वो बाधा है। ईंधन की कीमत में वृद्धि हो रहा है, अगर भारत को देखें तो भारत अपनी ज़रूरतों का 80% तक ईंधन क्या करता है, आयात करता है। अब अगर इतनी बड़े स्तर पे वो आयात करता और ईंधन की कीमत जो देख रहे हैं आप कि लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है, कच्चे तेल की कीमत बढ़ती जा रही है, अगर कच्चा तेल ले भी लिए फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके ले आइए अपने कंट्री तक, फिर उसको स्टोर कीजिए, फिर उसका शोधन कीजिए और फिर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, इन सबों तक क्या हो जाता है, आखिरी प्रोडक्ट की दाम बढ़ जाती है। तो ये एक बड़ी समस्या आ रही है, सिर्फ भारत के लिए नहीं, उन सभी देशों के लिए जो ईंधनों का आयात करते हैं, तो यह ध्यान रखना होगा। और कोविड महामारी ने तो पूरी दुनिया की कमर ही तोड़ दी अर्थव्यवस्था की, तो इससे अब देखिए बात यहाँ तक निकल आई है कि आर्थिक मंदी आ सकती है और वो भी 2023 में ही। बड़ी बड़ी जो टेक कंपनी है वह अपने यहाँ एम्प्लॉय की छटनी कर रही है और कह रही है कि आर्थिक मंदी में हम सबों को संभल के रहना होगा। तो यह आप ग्लोबल साउथ की कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए होंगे, आप देख पाएंगे कि चीन का इसमें क्या सरोकार है, भारत के क्या हित जुड़े हुए हैं, ग्लोबल नॉर्थ की कंट्री को ग्लोबल साउथ की कंट्री कैसे टक्कर दे सकते हैं, कैसे उनसे मदद ले सकते हैं, कैसे दोनों ही क्षेत्रों के देश मिलकर के साझे प्रयास करते हुए साझा भविष्य को साध सकते हैं। चलिए अब एक प्रश्न की ओर हम चलते हैं, और प्रश्न आज है प्रैक्टिस प्रश्न जो है वह प्रीलिम्स के स्तर का है, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। इन कथनों पर विचार करना है आपको, तीन कथन दिए गए हैं। ग्लोबल साउथ समिट की थीम जो है वह वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ मानव केंद्रित विकास रखी गई थी, ये सही है या गलत है ये बताना है। ग्लोबल नॉर्थ की बात की जा रही है, ग्लोबल नॉर्थ में दुनिया के अधिक विकसित समृद्ध और औद्योगिक विकास वाले देश मौजूद हैं यह कहा गया है। ग्लोबल साउथ में आर्थिक और सामाजिक विकास के आधार पर कम विकसित देश हैं, इसमें लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ओशिनिया के देश हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सही कथन है उसका चयन करना है। चार विकल्प आपको दिए गए हैं, ABCD। ए में है केवल एक, बी में है केवल तीन, सी में है एक और तीन, और डी में है उपरोक्त सभी। आपको जो भी जवाब सही लगता हो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हमने इस जवाब की चर्चा इस पूरे वीडियो में किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी टॉपिक पे हमने बातें की, जितनी पहलियों को उठाया, वो आपके अध्ययन अध्यापन में लाभकारी सिद्ध होगा। जल्दी हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।